हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मामी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इडली, वो भी बचे हुए भात और कद्दू से बनाएंगे इडली की रेसिपी। तो चलिए मैं आज आपके साथ ये शेयर करती हूँ और बहुत ही कम समय में, कम सामान में भी ये बन के तैयार हो जाता है और कद्दू की इडली खाने में बहुत ही टेस्ट लगता है। चलिए इससे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास पहले पहुँचे, और कमेंट शेयर करना मत भूलिए। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया है कुछ बचा हुआ चावल। पहले हम इसे जार में भर लेते हैं। तो इसे भरने के बाद चलिए इसको पहले हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए पीस के रेडी हो चुका है। उसके बाद चलिए इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो इसके बाद चलिए यहाँ मैंने ले लिया है एक आलू, तो इसका मैंने छिलका निकाल के रखा है। तो इसे इस तरह से काट लेना है, और ये कद्दू को भी मैंने इस तरह से छोटा छोटे टुकड़े में काट लिया है। तो चलिए इसे फिर से ग्राइंड जार में भर लेते हैं, और भरने के बाद इसे भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो बिल्कुल पानी भी इसमें नहीं डालेंगे, बस धीरे धीरे चलाते रहिए। जब भी आपको लगे पानी की ज़रूरत तो आप इस तरह से थोड़ा सा ही पानी इसमें डाल दीजिए। तो देखिए इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। बस हम इसमें डाल देते हैं, इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए ये तो मिक्स मैंने करके रख लिया है। उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं, और यहाँ थोड़ा सा अदरक को भी मैंने कूट के इसमें डाल दिया है, और यहाँ डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। डालने के बाद ये सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इस सबको मैंने मिक्स करके रख लिया है। उसके बाद चलिए यहाँ हम ले लेते हैं जिसमें हम इडली बनाते हैं, तो इसको लेके हम इसमें थोड़ा सा ही ऑयल लगा लेते हैं। और ऑयल लगाने के बाद इसमें हम भर लेते हैं। तो ये देखिए हमने भर लिया है, जितने भी स्टैंड है सब में हम इस तरह से भर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पानी भी उबलने के लिए रख दिया है, और उसके ऊपर चले इसको हम रख लेते हैं स्टैंड को। और इसके बाद इसे ढक देते हैं बस पकने तक। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये इडली बन के रेडी हो चुका है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये बन चुका है। तो ये देखिए कद्दू की इडली बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, आप एक बार इस तरह से बना के खाइए, और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अभी चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए थैंक यू।